लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भरतपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनिश्चितकालीन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। छतों पर बोतल पत्थर इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर अब डीजे नहीं बज सकेगा। डीजे बजाने के लिए इजाजत लेनी जरूरी होगी। भरतपुर से खबर है कि दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद ये फैसला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर, भरतपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके, देवेंद्र क्या जानकारी? देखने को मिला था, उसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कल मंत्री जो है डॉक्टर सुभाषकर, उन्होंने शांति समिति की बैठक ली और सभी लोगों से समझाइश की, और समझाइश के बाद पूरा मामला तो शांत हो गया, पूरी तरीके से शांति अभी इलाके में है। पुलिस जाब्ता भी तैनात है, अलग से डिप्लॉयड की गई है पुलिस फोर्स, उस इलाके में एसआई चौकी भी लगाई गई है। तमाम तरह की चीजें हैं जो प्रशासन को जो प्रयास करने चाहिए थे वो प्रयास प्रशासन द्वारा किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जो छतों पर अब पत्थर और कांच की बोतल अगर इकट्ठी की जाएंगी तो उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। सभी मकानों का जो भरतपुर शहर के अंदर है उनका ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। साथ ही अनिश्चित काल के लिए 144 लागू कर दी गई है। अब सार्वजनिक स्थानों पर डीजे या कोई भी बैंड बजाना निषेध रहेगा, इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस तरह के आदेश कलेक्टर आलोक रंजन ने 144 की जो धारा 144 लागू की है उसमें निषेध किया, उसमें जारी किया। उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ असामयिक तब जिले की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए अनिश्चित काल के लिए 144 पूरे जिले में इम्पोज की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। तो भरतपुर में दो गुटों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। पत्थर और बोतलें इकट्ठा करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब खबरों का सिलसिला फटाफट।